अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक नहीं कम से कम 5 मेन वजहें हैं मेरी क्रिसमस को देखने के लिए, क्या आप यकीन करेंगे? सबसे पहले विजय सेतुपति और कटरीना कैफ की ऑनलाइन केमिस्ट्री। जी हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन दोनों को एक ही स्क्रीन पे, एक ही पर्दे पे साथ देखूंगी, और वो भी धमाल मचाते हुए। एक का ठहराव, दूसरे की स्पॉन्टेनिटी, अदाकारी और ग्लैमर का अद्भुत कॉम्बिनेशन। दूसरा, इसी फिल्म में विजय सेतुपति और राधिका आपटे का भी थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम है। अगेन राधिका आपटे फायर मचाती हुई, और विजय सेतुपति मतलब उनके साथ भी परफेक्ट कपल का रोल निभाते हुए। दूसरी बात, चूंकि श्रीराम राघवन है तो आप समझ ही सकते हैं बदलापुर रंधाधुन जैसी कुछ ना कुछ तो कहानी में ट्विस्ट होगा। कहानी है बहुत रॉक सॉलिड, प्लॉट बहुत अच्छा है, और उसका एग्जीक्यूशन उससे भी मज़ेदार। मतलब काफ़ी बार ये ऐसा लगता है कि ये हमने लूप में देखा हुआ है या फिर लूप में नहीं देखा था। और सारी लेयर्स प्याज की परतों जैसे धीरे धीरे खुलती हैं, तो और भी मज़ा आता है। तीसरी बात, छोटे छोटे क्लूज जो कहीं ना कहीं कहानी को बांधे रखते हैं और आपको आपके टोस पे रखते हैं। मैंने जब ये मूवी देखी थी पिछले महीने थिएटर में, तो मैं एक्चुअली एज पे बैठी थी सीट के। फिर चाहे वो क्रिसमस ट्री का ऑर्नामेंट हो या फिर पेपर स्वॉन्स, सब चीज़ें एकदम एक सिम्फनी जैसे मिलती हैं। चौथा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, मिस्ट्री है, थ्रिलर है, तो एक बटुआ क्या कर सकता है? जी हाँ, एक मिसिंग बटुआ क्या कर सकता है, वो इस मूवी को देख के पता लगेगा। और जब तक आप मूवी पूरी देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मैं बटुआ बटुआ क्यों बोल रही हूँ। संजय कपूर की एंट्री भी धमाकेदार है, और उनका जो छोटा सा केमियो है ना, वो काफ़ी दिलचस्प है। उनके साथ कटरीना कैफ का जो स्क्रीन टाइम है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पांचवा और मेरे लिए सबसे खास था लास्ट में क्लाइमेक्स के वक्त लैक ऑफ डायलॉग्स। वायलिन इस तरीके से बजता है कि सारा मामला साफ होता जाता है, जहां पर जो भी है सब साफ सा दिखने लगता है, ना सिर्फ पुलिस वालों को बट ऑडियंसेस को भी। कटरीना कैफ की बेटी जो है उनका एकदम आवाज़ खुल जाती है, उनके भाव खुल जाते हैं, और जो वायलिन की तरंगे ऊपर नीचे जाती हैं, मतलब वो पूरा का पूरा समा बांध डालती हैं। इतना खूबसूरत क्लाइमैक्स मैंने कभी नहीं देखा था। एक बार फिर से बोल रही हूँ, मूवी बहुत अच्छी है, कल नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो रही है, मैं दोबारा से देखने वाली हूँ, प्लीज़ आप भी ज़रूर देखिएगा।